हेलो माय गार्डन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया है, पर काफी छूट भी मिल गई है हम लोगों को। लेकिन गार्डन लवर्स के लिए नर्सरीज और ये सब शायद अभी नहीं खुले हैं, शॉप्स नहीं खुले हैं जहां से आप अपना सामान ले सके। जैसा भी चल रहा है, प्रभु कृपा से ठीक ही चल रहा है, करते रहिए गार्डन में। और आज वेनसडे है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। फ्रेंड्स, मेरे पास आप लोगों ने जो प्रशंसा की है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सी फ्रेंड्स और व्यूअर्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे जाके या फेसबुक पे जाके प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है फ्रेंड्स कि आप सब प्लीज कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, जहाँ पे ये वीडियो लोड चल रहा है चैनल में, उसी में जाके आप अगर अपने प्रश्न करते हैं #AskLeelaSharma में, तो मुझे आपको भी दोनों को बहुत सुविधा होगी मुझे जवाब देने में और आपको अपने प्रश्नों का उत्तर पाने में। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा जिन्होंने तारीफ की है इसमें लिखती है श्रुति जाधव, गीता पदवार, शशि कामरा, संगीता चंदर, पूनम मल्होत्रा, सुनीता कक्कर जी, चित्रा कीरी जी, आप सब ने लिखा है कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और आपके बताने का जो तरीका है वो बहुत सरल और स्पष्ट है। और श्रुति जी ने पूछा है, श्रुति जाधव ने, कि आपने आपका विस्टीरिया कैसा चल रहा है। सो श्रुति, आई एम रियली हैप्पी कि आपको पुराने वीडियोस मेरे याद है और मैंने उसमें बहुत पहले वीडियो में अपने विस्टीरिया का जिक्र किया था। तो श्रुति, थैंक यू सो मच। वो मेरा पेड़ बिल्कुल ठीक चल रहा है। फ्लावरिंग तो आई डोंट नो कब होएगी, उसमें जब होएगी तो यकीनन शेयर तो करेंगे ही उसको। और धर्मीत कौर जी कहती हैं कि आपकी लिक्विड मैन्योर जो आपने बताई है वो अमेजिंग है एंड इट्स डूइंग वंडर्स फॉर माय प्लांट्स। सो अगर धर्मीत कौर जी को फायदा हो रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग भी यूज करिए वो वाला वीडियो देख के कि लिक्विड मैन्योर कैसे तैयार की जाती है और उसको यूज करिए। तो अब हम प्रश्न लेते हैं। एक बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, अचला अरोरा, रेणुका आगी, तनवीत कौर एंड चित्रा कीरी जी ने भी, कि गार्डेनिया जो गंधराज है उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आते हैं या गिर जाते हैं, मतलब ठीक चल रहा नहीं है पेड़। बहुत लोगों के ये सवाल इस तरह का आया है, तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ। आज पहले हम उसी प्रश्न को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गंधराज जो है ना वो एक फिनिकी सा पेड़ है, थोड़ा एटीट्यूड वाला पेड़ है। सबसे पहली बात मैं उसमें बताना चाहूंगी, और मैं वैसे भी हर पौध के प्लांट के लिए ये बात कहती हूँ कि प्लीज डोंट शिफ्ट योर प्लांट्स फ्रीक्वेंटली फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। कि अभी यहाँ धूप में रखा था तो अब इसको छाया चाहिए तो मैं छाया में लिया हूँ, छाया ज्यादा हो गई तो अब फिर से इसको सेमी शेड में ले जाऊं। डोंट डू दैट। आप प्लांट्स को अपने तरह से कंपेयर करिए, अपने से कंपेयर करिए कि बार बार अगर हमारा भी क्लाइमेट और जगह की चेंज होती है, हमको भी एडजस्टमेंट में फ्रेंड्स बहुत दिक्कत होती है। सेम इज विद द प्लांट्स। सो और गंधराज तो स्पेशली आई विल टेल यू कि अगर वो आप 4 इंच भी इधर से उधर कर देंगे, उसको 10 डिग्री भी घुमा देंगे तो वो खुश नहीं होएगा और आपको दुखी करेगा फूल न दे करके, पत्तियों को पीला करके, पत्तियों को मुरझा करके, पत्तियां ब्राउन करके, वॉट एवर इट विल शो इट्स अनप्लेजेंटनेस कि आपने उसे क्यों छेड़ा। जहां भी आप पेड़ लाए हैं, मैंने शुरू से बताया है कि जब आप नर्सरी में जाते हैं और आप कोई पौधा सिलेक्ट करते हैं तो प्लीज आप उसके ओरिजिन को देखिए कि वो कहां से बिलोंग करता है, क्या आप घर में उसको वैसी स्थिति दे सकते हैं। और गंधराज के लिए फ्रेंड्स इस समय जो टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया का वो काफी राइज कर गया है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर फ्लावर्स एंड मेक यू हैप्पी। तो दो बातें तो ये हो गई कि उसको आप फ्रीक्वेंटली शिफ्ट मत करिए, उसको जैसा है वैसा रहने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जहां का है उस वातावरण को उसे देने की कोशिश करिए। तीसरी बात गंधराज में है कि अगर आपने उसकी
नहीं की है, बहुत पहले कर दी है तो नहीं होगा, या बहुत बाद में कर दी है और उसका फ्लावरिंग का टाइम है तो भी वो आपको फूल नहीं देगा, क्योंकि उसका टाइम जो फ्लावरिंग का था उस समय आपने उसकी कटिंग कर दी, वो अब नहीं चलेगा, आपको फूल नहीं देगा। और इसको आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको सवेरे की धूप मिले, बाकी छाए हो, मॉइस्चर हो, और गर्म हवा से उसको बचाएं, आइसोलेटेड मत रखिए प्लांट्स को अपने। सब पौधों के बारे में यही बात चलती है कि उनको आइसोलेट मत करिए, उसको उनके ग्रुप्स के संग में रखिए, जिस तरह का एक क्लस्टर बना के रखिए पौधों का। तो जिनको नमी चाहिए उनको नमी वालों के संग में रखिए, जिनको ड्राइनेस चाहिए उनको अलग रखिए, जिसको जैसा पानी चाहिए उसको वैसे रखिए, उससे आपके जो पौधे हैं खुश रहेंगे। तो गंधराज के लिए एक बार कुछ भी कोई कहे कि यहाँ इसको छाया कम मिल रही है, धूप कम मिल रही है, जहाँ उसको एक्लिमेटाइज होने दीजिए, कुछ तो टाइम लगेगा, जब तक वो एडजस्ट करता है तब तक आप उसको शिफ्ट कर देते हैं, वो फिर बेचारा अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। डोंट डू दैट फ्रेंड्स। सो आई होप अगर आप इन छोटी बातों को, पानी की अधिकता तो आपको पता है हर पेड़ के लिए नुकसानदेह है, मॉइस्चर बना के रखिए, और हाँ गंधराज को थोड़ा सवेरे की धूप दीजिए, बाकी ब्राइट शेड में आप रखेंगे तो आपका अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग ने थोड़ा सा ना इसको बना दिया इस तरह से नखरे वाला प्लांट, ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन गेटिंग गुड ब्लूम्स फ्रॉम योर गंधराज। एक और इसमें मैं बात करना चाहूंगी गंधराज की सिलसिले में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो भी इसको इफेक्ट करती हैं। बहुत ज्यादा सर्दी है या बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर इस समय बढ़ गए हैं, तो उससे भी इसको दिक्कत होती है आपको फूल देने में। शुक्ला हल्दर जी कैलकटा से लिखती हैं या पूछती हैं कि गर्मियों में गुलाब की देखरेख कैसी करनी चाहिए, और संग में उन्होंने मेरे बगीचे की भी तारीफ की है। थैंक यू, आपको मेरा बगीचा अच्छा लगा शुक्ला जी, थैंक्स अ लॉट। गर्मियों में गुलाब की देखरेख कैसी करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पौधे को गर्मियों में सबसे पहले क्या जरूरत होती है हमारी तरह, पानी की। तो पानी उसमें बराबर आप देते रहिए, बहुत ज्यादा गुलाब को हालांकि पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर आपकी तरफ बहुत ज्यादा धूप है जहां पे आपने रखा है तो उसको छाए में एक तो पहली बात है शिफ्ट ज्यादा मत करिए, उसको वहीं रहने दीजिए, पानी का ध्यान रखिए, और जब भी पानी दे पूरा भर के पानी दे, जिससे कि नीचे तक जड़ों में से वो छेद जो गमले के नीचे होता है उसमें से वो पानी निकल जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप 10 मिनट बाद देखती है कि गमले में पानी फिर भी रह गया है, इसके माने आपकी सॉइल मिक्सचर जो है वो ठीक नहीं है और उसमें पानी रुक रहा है, जो कि गुलाब पसंद नहीं करेगा। तो आप एक तो उसका सुराख ठीक करिए और उसमें नमी बना के रखिए। दूसरी बात यह है कि आप जो ड्राई उसके डेड हेडिंग जिसको हम कहते हैं, ड्राई फ्लावर्स हो जाते हैं उनको आप निकालती रहिए, ड्राई ट्विग्स जो है उसको आप निकालती रहिए, और नीचे से जो स्टॉक जिसपे अगर आपका ग्राफ्टेड प्लांट है तो नीचे से जो स्टॉक की स्टेम्स निकल आती है मदर स्टॉक की, उसको आप निकालते रहिए, नहीं तो वो ओवर पावर कर लेगा आपके गुलाब को और आपका जो ग्राफ्टेड है वो कहीं खो जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। फर्टिलाइजिंग की जरूरत नहीं होती है मई जून में ज्यादातर किसी भी पेड़ में, तो फर्टिलाइजिंग की जरूरत इसमें भी नहीं है। हाँ, मल्चिंग आप जरूर करिए, मल्चिंग से आपके पौधे की नमी बनी रहेगी और उसमें खरपतवार भी नहीं उगेंगे और आपके पौधों को ज्यादा पानी आपको अगर आप हफ्ते में 3 बार देती हैं तो 2 बार देना पड़ेगा। मल्चिंग डज अ लॉट ऑफ हेल्प फॉर योर प्लांट्स, तो आप मल्चिंग जरूर करिएगा। आप अपनी इस तरह से गुलाब की ध्यान रखेंगे तो आपका गुलाब ठीक रहेगा। और फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर में इसकी जब प्रूनिंग करते हैं तो जब उसका विषय आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। धनमीत कौर जी का एक और सवाल था गंधराज के अलावा कि मेरा जो लेमन प्लांट है उसमें धूप 4-5 घंटे की मिलती है, पिछले साल फल आए थे मगर इस साल नहीं आए। तो धनमीत कौर जी, मेरे तो एक फिर वही बात आती है, एक्सट्रीम वेदर वाटर कंडीशंस, आपने पानी किस तरीके से दिया है, इरेगुलर वाटरिंग से ये हो जाता है। और दूसरी बात जो आपने 4-5 घंटे की धूप का जिक्र किया है, ये मुझे बताइए, जरूर लिखा करिए फ्रेंड्स आप
कि धूप किस समय की आपके पौधे को मिलती है। जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें कम से कम दिन की जो होती है ना दोपहर वाली धूप वो चाहिए होती है। अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है और उसमें आप 4-5 घंटे की धूप की बात करते हैं तो आजकल सूरज 6 बजे निकल आता है और 11 बजे तक की आपके पेड़ को धूप मिलती है, उतने से नहीं होगा। उसको आप पूरा धूप चाहिए। तो अगर आपके प्लांट पूरा धूप में नहीं है तो आपकी फ्रूटिंग कम हो सकती है। अमिता पटेल ने लिखा है कि अडेनियम की बड्स खिलने से पहले काली पड़ जाती हैं या गिर जाती हैं। तो अमिता जी, ये भी पानी की ही समस्या है इस समय, क्योंकि कम पानी से भी ऐसा हो सकता है कि वो सूख जाती हो, और ज्यादा पानी से क्या होता है अडेनियम में आपको पता है रूट रॉट हो जाता है और कलियां काली पड़ के गिर जाती हैं। तो आप पानी का अगर इसमें ध्यान रखेंगे तो आपके कलियां ठीक रहेंगी। बहुत ज्यादा अगर आपकी सॉइल मिक्स ठीक है तो आप इसमें हफ्ते में 3 बार पानी डालिए, कुछ नहीं होएगा, डरिए मत बिल्कुल भी। हो सकता है आपका जो पौधा है वो कम पानी से सूख रहा हो। ममता साहू ने लिखा है कि पोलका डॉट की लीव्स कर्ल कर रही हैं तो क्या करें। ममता जी, पोलका डॉट्स की लीव्स तभी कर्ल करती हैं जब उनमें मॉइस्चर कम होता है। आप उसको किसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पे ब्राइट लाइट आती हो, तभी उसकी पत्तियों का कलर भी एनहांस होता है। और पानी का आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ना दें, मॉइस्चर मेंटेन करके रखें, मेन बात उसमें यही है। आप इसको अगर रेगुलेट कर लेंगी तो आपके पोलका डॉट्स की पत्तियां ठीक हो जाएंगी। मीता आनंद जी पूछ रही है कि पत्ती की खाद कितने दिन में बनती है। तो मीता आनंद जी, अमूमन पत्ती की खाद अगर हम लोग सिर्फ पत्ती की खाद बनाते हैं तो वो 6 महीने में बनती है। उसमें आपको जैसे मैंने दिखाया है अपने इस वीडियो में भी जिसमें हमने खाद बनाई है कि उसमें आपको पानी डालना पड़ता है जिससे कि वो उनका रॉटिंग सिस्टम जो है या जो माइक्रोबायल उसका वो है वो डेवलप हो। तो उसमें अगर आप चाहती हैं कि आपको जल्दी ये पत्ती की खाद मिल जाए तो आप उसमें वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर सकती हैं, बाजार में भी मिलते हैं और कोई महंगी चीज नहीं है, 20 रुपए की शीशी आती है, उससे आप बराबर बना सकते हैं। और दूसरा, आप घर की जो चीजें होती हैं जैसे छाछ है, और मैंने उसमें भी आपको दिखाया था कि ये आप डालेंगे तो आपकी जो प्रोसेस है वो फासन अप हो जाएगा। उसमें आप थोड़ा कच्चा गोबर डाल सकते हैं, गौमूत्र डाल सकते हैं उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, उसको फासन अप करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको अपने नेचुरल प्रोसेस में ही तैयार होने देंगे तो 6 महीने में वो आपकी खाद तैयार हो जाएगी। शुक्ला हल्दर जी का सवाल है कि एडिबल एलोवेरा और जो दूसरा होता है जो जलने के ऊपर लगाया जाता है जो खाने वाला नहीं होता है, उन दोनों में क्या फर्क है। तो शुक्ला जी, मैं आपको दिखा के बताना चाहूंगी कि दोनों में क्या फर्क होता है। ये देखिए, ये दो तरह के हैं। ये जो आप हल्के रंग का देख रही हैं, ये 3 इकट्ठे मैंने रखे हुए हैं, ये खाने वाला है, ये खाने वाला एलोवेरा है। ये जो 3 मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं ये खाने वाला है, और ये वाला जो है ये जलने के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए है, और ये वाला जिसको कहेंगे हम इंटरनल यूज के लिए है। आप दोनों में फर्क देखिए, मैं बताती हूँ मोटा मोटा फर्क जिससे कि आप पता कर सके, गलती से इसको खा ना लें। तो ये वाला जो खाने वाला एलोवेरा है, ये जो खाने वाला एलोवेरा है इसकी ये जो छोटी पत्तियां होती हैं, इसकी ये जो छोटी पत्तियां होती हैं इसमें आप ये देखते हैं इसमें ये पैटर्न बना होता है, स्टॉक्स होती है, ठीक है। लेकिन जब इसकी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं फिर शुक्ला जी, तो ये प्लेन हो जाती हैं, ये प्लेन हो जाती हैं, ये डॉट्स जो इनके हैं ये इसमें नहीं दिखते हैं, और ये ऊपर जाके जब मैच्योर हो जाती हैं तो ये ब्रॉड भी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, और इनका जो रंग होता है वो ग्रे ग्रीन सा होता है, ग्रेइश और ग्रीनिश टिंच का होता है, और इसमें जो फूल आते हैं शुक्ला जी वो पीले रंग के आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ये जो एक्सटर्नल यूज के लिए है, इसमें जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये
इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पति नई निकली है कि मैच्योर है, उसमें ये आप हमेशा पाएंगे। इसकी जो पत्तों की फॉर्मेशन है, जो प्लांट की फॉर्मेशन है, वो अपराइट स्ट्रेट जाती है, और जबकि इस वाले में थोड़ा सा वो एक फूल की तरह से, गुच्छे की तरह से, रोजेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह से ये पत्तियां इसमें से निकलती हैं। दूसरा, इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है, और इसके जो फूल हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगी तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा खाने वाला है और कौन सा खाने वाला एक्सटर्नल यूज के लिए है, खाने वाला नहीं है। और इसकी पत्तियां ऊपर जाके जो मैच्योर हो जाती हैं वो ब्रॉड नहीं होती हैं, ये अभी फिर अब इससे भी बहुत चौड़ी होती है पत्तियां खाने वाले की, लेकिन इसकी चौड़ी नहीं होती है। ये दोनों में आप फर्क जान लीजिए अच्छी तरह से। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं गीता बधवार जी का। आपका प्रश्न है कि ऑक्सालिस बल्ब्स कैसे सेव करने हैं, और अगर पॉट में छोड़ दें तो क्या पानी देना होगा? गीता जी, ऑक्सालिस बल्ब्स या फॉर दैट मैटर विंटर बल्ब्स के ऊपर जो है मेरा पूरा एक वीडियो है, उसको मैं शेयर कर रही हूँ, उसका लिंक आप उसको जरूर देखें। और जहां तक पॉट में छोड़ने की बात है तो गीता जी, ऐसा है कि उसमें वो क्रैम्प होके रह जाएंगे, और पानी आप अगर उसमें डालेंगी, वैसे पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि हर बल्ब को रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है। अगर उसको वो रेस्टिंग पीरियड नहीं मिलेगा तो वो आपको अपने सीजन आने पर ब्लूम नहीं देगा, तो पानी डालने की जरूरत नहीं है, आप उसको उसी में रहने दीजिए। मेरा तो ख्याल ये है कि आप उसको अगर निकाल के, जैसा कि मैंने बताया है, वैसे स्टोर करेंगी, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। निधि वैद का कहना है कि मेरे लौकी के पौधे में सारे मेल फ्लावर्स हैं। तो निधि जी, आपने मेरा पिछला वीडियो लौकी के और ये कुकरबिट्स की जो बेले हैं उनके ऊपर देखा होगा, तो आप अगर मेन स्टेम जा रही है आपकी सिंगल है और आपने अभी तक उसकी टिप पिंच नहीं करी है तो वो आप करिए। जब तक ऑफ शूट उसकी नहीं निकलेंगी तब तक आपको फीमेल फ्लावर्स नहीं आएंगे, और फीमेल फ्लावर्स नहीं आएंगे तो फल भी नहीं लगेगा। धनमीत कौर जी लिखती हैं कि आपने लिखा है कि मल्चिंग पर, धनमीत कौर जी लिखती हैं कि मल्चिंग पर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे पेड़ बालकनी में 6 से 8 घंटे धूप में रहते हैं और शाम होते होते सूख जाते हैं। धनमीत कौर जी, जरूर आपकी फरमाइश जो है वो पूरी की जाएगी, इसी सीजन में पूरी की जाएगी। और भी मेरी फ्रेंड्स से गुजारिश है कि आपके जो भी चाहते हैं, कोई सजेशन है किसी चीज के ऊपर वीडियो बनाने का, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, आप लिख के दीजिए अपने सजेशंस, हो सका तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। सादर भट्टाचार्य लिखते हैं कि किंग चिली की बर्ड्स मैच्योर होने से पहले गिर जाती हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण सादिक जी यही है कि ओवर वाटरिंग, एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर्स, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और कभी कभी क्या होता है, हम लोग ओवर एक्साइटमेंट में ना खुराक ज्यादा दे देते हैं पौधे को। किसी और ने भी लिखा था कि मैं हर हफ्ते लौकी में या बेलदार सब्जियों में वो डाल रहा हूँ लिक्विड मैन्योर, लेकिन वो 2 महीने से वैसे की वैसी है। तो मेरा जवाब उन सब आपको भी यही है कि हम लोग ज्यादा इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा खाद देते हैं पौधे में तो वो उसको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है, और क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि पत्तियां ज्यादा हो जाती हैं और फूल नहीं बन पाते हैं, उसमें फल नहीं लग पाते हैं, एनर्जी सारी पत्तियां डेवलप करने में निकल जाती है। दूसरी बात, जो आपका फूल या फल गिर रहा है छोटा होके, मैच्योर नहीं हो रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पानी ज्यादा देते हैं, गर्मी ज्यादा है तो हम सोचते हैं हमको पौधे में बहुत ज्यादा पानी देता है होता है, तो आप ये देखिए आपका पानी जो है स्टैग्नेंट तो नहीं है गमले में। और इससे एक और प्रॉब्लम क्या होती है, जब पानी ज्यादा होता है तो रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी
जो मिर्च की डंडी जहाँ पे पेड़ में लगती है वहां से वो अगर ब्राउन कलर की है आप चेक करेंगे तो दैट मींस कि आपके पौधे में पानी ज्यादा है और उसमें रॉट की प्रॉब्लम है, तो आप अपना पानी थोड़ा सा कंट्रोल करिए। तीसरा आप ये देखें कि आपके पौधे में कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है किसी चीज का, मिलीबग का, एफिड्स का या वाइट फ्लाइज का। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको कंट्रोल करिए। और उसमें दूसरी बात है, आप अगर एप्सम का स्प्रे करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आप एप्सम का फॉलियर स्प्रे करिए, एक टीस्पून एक लीटर पानी में डाइल्यूट करके, उससे आपके पौधे को यकीनन फायदा पहुंचेगा। तो जितनी भी मैंने कारण बताए हैं आप ये जांचने की कोशिश करिए कि आपके पौधे को क्या प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन इट। सो फ्रेंड्स, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। मेरा हमेशा यही कोशिश होती है कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपने को हम सीमा में रखें, जिससे कि आप भी ज्यादा टाइम सुनने में ठीक से दे सके। बहुत जल्द लंबा अगर सेशन हो जाता है तो ठीक सा नहीं लगता है। तो अगले जो प्रश्न मेरे रह गए हैं जरूर मैं उनका उत्तर अगली बार दूंगी। और फिर से एक गुजारिश है कि जो फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपने प्रश्न पूछती हैं, प्लीज लिंक में नीचे जाके कमेंट सेक्शन में वहां पे आप अपने प्रश्न देंगी तो मुझे सुविधा रहेगी। और टेक केयर, अगर आपका कोई सजेशन है तो जरूर शेयर करिए, आई वुड लव टू वर्क ऑन इट। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स।